Hey everybody, what's up? कैसे हो सारे? आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस की। चाहे आपने बीटेक कर ली है, बीसीए कर ली है, एमसीए कर ली है, कर रहे हो, ठीक है, कोडिंग इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो, चाहे कोई सी भी कंपनी में जा रहे हो, सर्विस बेस या प्रोडक्ट बेस, सर्विस बेस जैसे आपकी टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस लाइक कंपनीज, एंड अपनी प्रोडक्ट बेस में बात कर ले अमेजन, फ्लिपकार्ट टाइप, ठीक है। तो सभी में क्या इंटरव्यू प्रोसेस रहता है वो इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। देन एक जो इंटरव्यू प्रोसेस के पार्ट्स डिवाइड करके बताऊंगा, उसके बाद क्या कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉमनली, ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात कर लेंगे नाउ, फिर उसके बाद आएंगे कॉमन क्वेश्चन, लास्ट में बताऊंगा आपको कुछ कॉमन क्वेश्चंस, और इसमें मैं आपको बता रहा हूं एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस आपको इसमें से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है, बिकॉज ये मैंने खुद फेस करके कुछ कॉमन क्वेश्चंस निकल गया, उनको मैं बताने जा रहा हूं, ओके नाउ ग्रेट। तो वीडियो को शुरू करें क्या? चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की। तो कोई भी इंटरव्यू प्रोसेस मैं आपको बताऊं, फोर पार्ट्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड द लास्ट इज फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा जहां से स्टार्ट होता है इंटरव्यू, ग्रेट, लास्ट जहां पर एंड होता है। बीच में दो चीजें होती हैं, क्या होती है, एक होता है हमारा सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, और एक हमारा क्या होता है अपना प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट डिस्कशन राउंड, ऊपर नीचे हो सकते हैं सेकेंड थर्ड वाला, या हमारे चार राउंड होते हैं पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में। स्टार्टिंग होती है, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़े होते हैं बीटेक, बीसीए, एमसीए में जहां भी, ठीक है, फिर प्रोजेक्ट डिस्कशन होता है आपका, अगर कोई प्रोजेक्ट आपने फाइनल ईयर में बनाया होगा, ऑब्वियसली नहीं बनाया होगा वो भी पकड़ लेते हैं या आपने चीटिंग की है, एंड द लास्ट इज एंड। अब स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है, कोई भी इंटरव्यू चाहे आप कहीं पे भी दो, ठीक है, मैंने मोस्टली क्योंकि आपका कोविड चल रहा था पेंडेमिक, इसकी वजह से सारे इंटरव्यूज मैंने डिजिटली दिए। सबसे पहले उनकी वही फेवरेट लाइन कि आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, वो वही होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन अ वन लाइन, इन अ वन लाइन, नाउ ये वन लाइन आपकी इतनी रिच होनी चाहिए कि आपकी स्किल्स भी बता रही हो, आप कौन हो, कहां से आते हो, किस फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके फैमिली में मेंबर्स भी कितने हो, ये भी बता सकते हो, ठीक है। नाउ बेसिक आपका क्या होना चाहिए कि एक लाइन जो आपको रिप्रेजेंट कर रही हो, ठीक है, ये अपने हिसाब से डिजाइन कर लेना अपनी पिच के अकॉर्डिंग। नाउ बात कर ले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो ये थोड़ा हो जाता है जैसे इसमें आपका सबसे पहला जो होता है अगर कोडिंग देने जा रहे हो तो डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करके ही जाना, बेसिक एडवांस वो लेवल डिपेंड करता है बेसिक या एडवांस वाला, ठीक है, कि कैसा फेस करने जा रहे हो। अगर सर्विस बेस में जा रहे हो तो आपको बेसिक ही दिखने वाले हैं, ठीक है, प्राइम नंबर इवन नंबर का नहीं सोच सकते, बट हाँ पैलिंड्रोम, ये परम्यूटेशंस वाले ऐसे क्वेश्चंस आप देख सकते हो, ठीक है, या उससे भी रिलेटेड नाउ, और भी जैसे सर्चिंग सॉर्टिंग वाले भी अभी आपको बताऊंगा नाउ। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं जैसे ये सब्जेक्टिव हो गए, फिर आप डीबीएमएस, ओके, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, इसमें क्वेरीज, ठीक है, ये सब भी एसक्यूएल क्वेरीज, ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस में नाउ। फिर उसके बाद क्या जाता है आपका नेटवर्किंग, ठीक है, मैंने ज्यादातर मतलब टीसीएस में, टीसीएस और दो तीन और कंपनियों में नहीं देखा था, ठीक है, मैंने महिंद्रा में भी नहीं देखा, बट नेटवर्किंग आपको इन्फोसिस में जरूर देखेगा, ठीक है, नेटवर्किंग। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, नाउ ये आपका विंडोज या लिनक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, महिंद्रा में जाओगे लिनक्स का पूछ लेंगे, बाकी विंडोज आपने यूज किया तो आपकी विंडोज से भी पूछ सकते हैं। नाउ प्रोजेक्ट की बात कर ले, ये भी आपका होता है कि प्रोजेक्ट किस पर था, ठीक है, टॉपिक, नाउ व्हाट वाज द प्रोजेक्ट, ठीक है, व्हाई यू चूज, सेकंड व्हाट इज योर रोल, ठीक है, व्हाट वाज योर रोल, ओके, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। फिर उसके बाद क्या उसका इंपैक्ट था, मशीन लर्निंग का था, पाइथन में था, मतलब पाइथन का था, जावा का था, वेब एप्लीकेशन था, एंड्रॉइड एप्लीकेशन था, मशीन लर्निंग का था, इससे रिलेटेड चीजें, मतलब आपका फुल प्रोजेक्ट का डिस्कशन होगा जहां भी होगा, ठीक है। नाउ द एंड, एंड कहां से होता है हमारा इंटरव्यू, एंड एक क्वेश्चन के साथ होगा, ठीक है, विद वन क्वेश्चन। अच्छा अब ये कैसे होगा, इंटरव्यूअर खुद पूछ लेता है कि हैव यू एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, ठीक है। अब देखो अगर आपका यहां पर मैं आपको बता दूं इंटरव्यू में क्वेश्चंस के आंसर देना इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता है, ठीक है, ऑफ कोर्स जरूरी होता है कि अगर नहीं दोगे तो नहीं होगा, बट यहां पर जो देखी जाती है दैट इज द थिंग कि हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर आंसर, ठीक है, इन व्हाट मैनर। नाउ अगर आपका एंड होते होते भी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्ट तक आपका यू मान लो इंटरव्यू ओवर हो जाता है, उनको पता चल जाता है आपको नॉलेज कितनी है ऑन द सब्जेक्ट्स, ऑन प्रोजेक्ट्स, एवरीथिंग, ठीक है। नाउ आप कैपेबल हो कि नहीं हो जॉब के लिए, बट बात कर ले एंड, एंड क्या डिसाइड करता है, एंड डिसाइड करता है हाउ मच यू आर डिस्परेट, हाउ मच यू आर क्यूरियस टू नो टू डू द वर्क, ठीक है, मतलब ये सारी चीजें होती है जो एंड में भी आपको ये है कि आपकी पिच को भी ऊपर कर देते, बोलते ना एक फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बट मैं यहाँ कहता हूँ इंटरव्यू में एक लास्ट इंप्रेशन भी एक पॉजिटिव दे दे आप या एक पिच हाई कर दो, वो भी एक कर सकता है कि हाँ यू आर सिलेक्टेड, ठीक है, वो उस फेज में जा सकता है, ओके नाउ। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब मैं किस पे, देखो ये भी आपके हाथ में स्टार्टिंग, ठीक है, एंडिंग भी आपके हाथ में, नाउ मैं आपको ये तो बता सकता हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, कुछ लाइन दे दूंगा, रट्टा मार के चले जाओ, बट उससे क्या होगा ना आप स्टिक हो जाओगे, मैं चाहूंगा अपनी एक इमेजिनेशन अपनी एक चीज के साथ जाओ, ठीक है, सबकी यूनिक होती है। नाउ सेकंड थर्ड ये दोनों चीजें क्या है, ये दोनों आप एक डिजाइन कर सकते हो एक फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, कॉमन ही होती है इसलिए मैं बता दिया, तो प्रोजेक्ट पे कभी और डिस्कशन कर लेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट हर किसी हर बंदे का अलग अलग हो सकता है, ठीक है, उस बेसिस पे क्वेश्चन होंगे। बेशक सामने वाले इंटरव्यू को मशीन लर्निंग आती है और आपने मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाया, वो फिर भी बता देगा आपको मशीन लर्निंग आती है कि नहीं आती, दैट द कॉन्फिडेंस इन योर आंसर एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर इज ओके। नाउ अब बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, ठीक है, इसमें बात कर लेते हैं कोडिंग, क्योंकि वीडियो में मैंने डाला था कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस, बिकॉज
देखो इसमें भी थियोरेटिकल, क्योंकि जो प्रोसेस होती है प्रोसेस में भी मान लो देखो जो सर्विस बेस में तो एक ही होगा और उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि मुश्किल से कोई क्वेश्चन पूछ ले ठीक है कि कोडिंग का चलो ये वाला मेरे को इंप्लीमेंट करके या प्रोग्राम बना के देखो, वरना नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपका ये प्रोग्राम राउंड हो चुका है ठीक है। जो भी प्रोसेस होती है वो आपकी थियोरेटिकल क्वेश्चंस के ही राउंड होती है ठीक है, बट प्रोडक्ट बेस में अलग हो जाती है ना। अब वो कोडिंग क्वेश्चंस कौन से होते हैं, कैसे हो सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं कुछ आइडिया ठीक है। अब ये नहीं कि मैं सारे बता दूं, हाउ इज इट पॉसिबल ठीक है ना। तो रेटिफिकेशन मतलब समझो कि कैसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्यों पूछ सकते हैं और किस लिए वो पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले ये पूछना चाहते हैं कि जो चीज आप पढ़कर आए हो क्या वो आपको आती है ठीक है। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे जाते आप एक एंड्रॉइड ऐप बना दोगे, आप वेबसाइट बना दोगे, वो आपको ट्रेन करने वाले हैं अराउंड मतलब 3 मंथ तक ट्रेनिंग चलने वाली है ठीक है। तो उसकी फिक्र नहीं है उनको, तो ये फिक्र है कि जिसके लिए आप कर रहे थे जो चीज वो क्या आपको आती है ठीक है बस ना। अब जैसे मैं बात कर लेता हूँ स्टार्टिंग ही कोडिंग में क्या होती है, आपको प्रोग्रामिंग कौन सी आती है ठीक है। तो ना प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो भी होंगे, प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारे क्वेश्चन है ठीक है। बेसिकली मैं बता रहा हूँ विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू नो ठीक है, व्हाई यू चूज, व्हाई यू लर्न ठीक है, हाउ मेनी यू नो, अब कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, क्यों आती है ठीक है, कैसे आपने अपने आप को इवॉल्व किया ठीक है लर्निंग में ओके इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आपने कोई फिक्स कर दी ठीक है, फॉर एग्जांपल जावा कर दी, सी प्लस प्लस कर दी ठीक है, पाइथन कर दी, जावास्क्रिप्ट कर दो, कुछ भी कर दो ओके ना, क्योंकि आपकी एक फेवरेट तो एक ही होने वाली है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठीक है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, जैसे आपको जावा आती है ठीक है, तो जावा में बोल सकते हैं हाउ जावा प्रोग्राम कंपाइल ठीक है, हाउ सी प्लस प्लस कोड इज कंपाइल और एग्जीक्यूट गॉट इट नाउ। जब ये हो जाएगा कुछ बेसिक क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड रहेंगे ठीक है। फिर आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव में बताऊं ऊप्स, अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बदल जाएगी लेकिन ऊप्स का कॉन्सेप्ट बदला जाएगा क्या, नहीं बदला जाएगा। तो यहाँ पे पूछ सकता है ठीक है, ऊप्स में पूछेगा आपको बेसिक पिलर्स ठीक है क्या होते हैं, तो वहां आपको पता होना चाहिए क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस ठीक है, ये बेसिक पिलर्स कितने होते हैं ठीक है। अब उसी में पूछ सकता है इनकैप्सुलेशन विद एग्जांपल ठीक है, इनकैप्सुलेशन विद एग्जांपल ओके, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग, व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। तो ऊप्स के जितने भी मतलब क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब आपने पढ़ा ना टॉपिक तो ये हो जाएगा। इनहेरिटेंस में पूछ सकता है व्हाट इज द मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं करता, सी प्लस प्लस में होता है ठीक है, क्यों नहीं होता है ये पता होना चाहिए आपको ठीक है ना। ये हो गया हमारा ऊप्स का ठीक है, जो कोडिंग का मतलब कोडिंग में क्या ही पूछेगा ठीक है, इससे रिलेटेड मतलब इसके अलावा ना ऊप्स हो गया ठीक है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब में ऊप्स आ गया। अब सब में डीबीएमएस होता है, डीबीएमएस बोलो या माई एसक्यूएल बोलो, माई सीक्वल ठीक है, क्यों, क्योंकि सब डाटाबेस से कनेक्ट तो करते हैं ठीक है। माई सीक्वल डीबीएमएस में पूछ सकता है कि भाई एक और भी होता है नो सीक्वल डाटाबेस, वो कौन सा होता है, मोंगोडीबी ठीक है। अब इसमें पूछ सकता है क्वेरी, पूछ सकता है कीज, पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की, फॉरेन की, टपल्स पूछ सकता है ठीक है, और भी सारी चीजें, जॉइंस पूछ सकते हैं, इनर जॉइन, डिफरेंशिएट बिटवीन इनर जॉइन, आउटर जॉइन, फुल जॉइंस ठीक है। जो आपने पढ़ा है, जो भी सुना है उसी से होगा, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं होने वाले मैं आपको बता दूं, लेकिन कुछ कॉमन से होते हैं ये जो हाईलाइट टॉपिक्स होते हैं ठीक है। जो ऊपर बोलते हैं ना कि चैप्टर और चैप्टर में हेडिंग दिख रही हो, कुछ ब्रॉड हेडिंग्स हैं, तो उन ब्रॉड हेडिंग्स को सबसे पहले उठाया जाता है ओके ना। अब बात कर लेते हैं जैसे ये डीबीएमएस माइएसक्यूएल हो गया, ऊप्स हो गया, ऑफकोर्स सबसे मेन था कि हमारा डीएसए ठीक है। प्रोडक्ट बेस में देने जाओगे तो डीएसए सबसे ज्यादा होगा, सर्विस बेस में देने जाओगे तो डीएसए ना के बराबर होगा ठीक है। मतलब अगर मैं आपको बताता हूँ, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर ठीक है, कितना आप खींच रहे हो, कितना आपको मतलब इंटरव्यूअर को इंटरेस्ट भी आ रहा है आपके अंदर, ये भी सारी चीजें डिपेंड करती है। जैसे मैंने ना एक में क्या होता, मेरा मूड नहीं था ठीक है, बिकॉज मेरे पास 2-3 ऑफर लेटर पड़े हुए थे और मैं ये भी नहीं चाहता था कि चलो सीखने को मिल रहा था तो मैं इंटरव्यू देने जरूर बैठा, उस दिन तबियत भी खराब थी। तो मेरे से पूछा गया, ये मैं टीसीएस की बता देता हूँ ठीक है, मेरे से पूछा गया कि यू नो द कलेक्शन इन द जावा, तो मेरा मन नहीं था, बस बहुत हो गया 20 मिनट होगा और ये हार्डली 15 से 20 से 25 मिनट का ही जाता इंटरव्यू ठीक है। तो उन्होंने पूछा द कलेक्शन इन द जावा ठीक है, कलेक्शन फ्रेमवर्क, मैंने बोला हाँ आई नो बट अब लाइक बस दिस इज द फ्रेमवर्क, इट इज द कलेक्शन ऑफ द ऑल द डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, व्हाटएवर ओके, बट ओके यू नो द इंप्लीमेंटेशन, नो नो आई डोंट नो द इंप्लीमेंटेशन, आई कैन जस्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ द सेंटेंस, दैट्स इट ओके। तो ये चीज होती है क्योंकि उनको फर्स्ट डिफर नहीं पड़ता है उनको डीएसए में आता कि नहीं आता ठीक है। अगर सर्विस बेस में नीचे जा रहे हो, नीचे लेवल्स में ठीक है, ऊपर लेवल्स पे जाओगे तो ऑफकोर्स वो पूछेंगे यार। अब बेसिक क्या पूछ सकते हैं फिर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपसे पूछने वाले हैं कि अब ये नहीं पूछेंगे कि क्रिएट द एरे ठीक है, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ द एरे, नो, वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑपरेशन व्हिच परफॉर्म ऑन द एरेज ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भाई उसमें इंसर्ट करते हैं एरे में तब कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ठीक है, बेस्ट की कितनी होती है, वर्स्ट की कितनी होती है ठीक है, ये सारी चीजें। ये पूछ सकते हैं लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च कब आप यूज करोगे, लीनियर सर्च कब आप यूज करोगे, बाइनरी सर्च ऑन द एरेज ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जब व्हेन एरे इज सॉर्टेड देन बाइनरी सर्च इज अप्लाइड ओके, व्हाट इज द डिफरेंस, ऐसे कुछ पूछ सकते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में पूछ सकते हैं ठीक है। मतलब सर्चिंग आपका रहेगा, सर्चिंग ओके, शॉर्टिंग पूछेंगे, मस्ट शॉर्ट ठीक है, व्हाटएवर जो भी मतलब आपसे पूछ सकते हैं ठीक है, जो मतलब उस फेज में चल रहा है ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ फिक्स हो, नहीं जो फेज में चल रहे हैं टॉपिक्स वही होते हैं ठीक है। सर्चिंग, शॉर्टिंग ठीक है, मैंने ये आपको बता दिया। एरे स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन सबसे रिलेटेड रहेगा, अगर प्रोडक्ट बेस में जा रहे हो तो आपसे प्रोग्राम भी पूछा जाने वाला है ठीक है, और अगर नहीं जा रहे हो तो प्रोग्राम नहीं पूछेंगे ठीक है। और भी मतलब इसी से रिलेटेड सारी चीजें रहती हैं ठीक है। और क्या हो गया, हम ले सकते हैं कुछ बेस्ट एल्गोरिथम्स ठीक है, जो भी एल्गोरिथम हाईलाइट होती है, मस्ट शॉर्ट हो गई ठीक है, लीनियर सर्च, बाइनरी, जितनी भी सर्चिंग की होगी सारी पढ़ के जाना, शॉर्टिंग की सारी पढ़ के ही जाना ठीक है।
चीजें आपके कोडिंग क्वेश्चन जो भी थ्योरेटिकल हो सकते हैं वो पूछे जाएंगे, मतलब जो आपसे पॉसिबल होगा थ्योरेटिकल वो बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनकी तो ऊप्स का थ्योरेटिकल रहता है, डीबीएमएस का थ्योरेटिकल रहता है, डीएसए में कुछ ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं होता है तो कम ही पूछ पाते हैं वो, ठीक है, क्योंकि ज्यादा तो वो इम्प्लीमेंटेशन का ही है, ठीक है। और नेटवर्किंग, ठीक है, आपका हो गया नेटवर्किंग, ये मैंने मतलब देखा था, आपको बताओ इन्फोसिस में देखा था, ठीक है, और महिंद्रा में नहीं है। नेटवर्किंग के कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, इंटरव्यू में मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मान लो बाकी सबका अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। नेटवर्किंग हो गया, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब इसमें भी ये है कि देखो कब तक काम चला रहे हो, ठीक है। महिंद्रा में तो कमांड सब पूछी थी मेरे से, ठीक है, और मुझे सीरियसली बता दो बहुत कमी आती थी, ठीक है। फिर भी क्या था, मैंने मतलब सामने से कुछ कुछ हिंट करके देखो, मेरे को किसकी आती थी, विंडोज की आती थी, ठीक है। तो वहाँ मेरे को पता थी आर एम डी आई आर होती है रिमूव डायरेक्टरी करने के लिए, ठीक है, डायरेक्टरी एम की डी आई आर, ठीक है, इससे क्या होती है डी आई आर होती है जिससे ऑल फाइल्स खुल जाती है, तो उन्होंने बोला लिस्ट ऑफ फाइल्स कैसे ओपन करते हैं, फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, तो मेरे कुछ पता थी लिस्ट ऑफ फाइल्स के लिए, मेरे को नहीं पता थी लिनक्स उस टाइम यूज नहीं करता था, ठीक है। फिर बाद में कुछ लर्न भी कर ली, तो आप कैसे कमांड्स को भी याद करके जाते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है नहीं आता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब देख रहे ना किस कंपनी पे फेस कर रहे हो, ठीक है, फोकस कर रहे हो, सॉरी। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्किंग हो गया, और नाम अगर आप वहाँ पे देने जा रहे हो, ठीक है, सिस्टम डिजाइन भी आपको मिलेगा, अगर क्योंकि मेरे पे मिला था जब आप वहाँ पे जाओगे, ठीक है, प्रोडक्ट बेस में, ठीक है, सिस्टम डिजाइन मेरे से पूछा गया था, तो इस पे मैंने रिसर्च पेपर बना रखा था, ठीक है, रिकमेंडेशन इंजन कैसे काम करते, तो मुझे पता था इसकी सिस्टम डिजाइनिंग कैसे होती है, तो वो मैंने कर दिया था, वो बात है मेरा वहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। नाउ तो ये कुछ रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं जिससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। नाउ अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस की, ठीक है, जो मतलब मैंने क्या हुआ हमेशा पता क्या करा करूँ, ये एक्सपीरियंस पे बेस्ड है मेरे, ठीक है, सिर्फ मेरे है, और कुछ हो सकते हैं मैंने इधर उधर से भी देखे हूँ, शायद पढ़े हूँ, लेकिन मैंने क्या किया था, ये कैसे क्वेश्चंस बैन बनाए ये बता दूं मैं आपको। जैसे मैं जब भी इंटरव्यूज देता था, मैंने 10 से ज्यादा दिए होंगे शायद, तो जब भी मैं इंटरव्यू देता था मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख लेता था कि इस बंदे ने कौन से पूछे, मुझे कौन से नहीं आते थे। फिर मैंने एक चीज देखी कि अच्छा कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही कॉमन है, ठीक है, तो ट्राई किया कि उनको एक जगह पे लिख लूं ताकि जब भी एक इंटरव्यू देने जाऊं तो मेरे को एक फ्लो बना रहे, ठीक है, कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नो तो मैं बता दिया मैंने आपको कि इसमें से कुछ क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन आपको दिखी जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका हो गया हाउ मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डू यू नो, ठीक है, मैंने आपको पता है स्टार्टिंग ही होती है, फिर कहां से होगी, ठीक है, विच स्किल्स यू हैव, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ये सब आपको आता है, क्यों आता है, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ होते क्वेश्चन उठपटांग भी हो सकते हैं कई बार, तो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लाइक व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओएस, तो आपको पता होना चाहिए तीन टाइप के हो गए, ठीक है, मैक ओएस, ठीक है, विंडोज, लिनक्स, नाउ कंफर्टेबल कौन से में हो आप सबसे ज्यादा, ठीक है, नाउ हाउ मेनी डेवलपमेंट टूल्स हैव यू यूज्ड, देखो कई बार पता क्या होता है ये क्वेश्चन ही आपको बता देंगे आपसे बेसिक कोडिंग क्वेश्चन ना पूछे जाए, ठीक है, उसकी बीएमएस किसी को भी ना पूछे ना, फिर भी इन क्वेश्चन के सेट ऑफ पे वो बता सकता है बंदा कि आपको प्रोग्रामिंग आती है कोडिंग आती है कि नहीं आती है, कैसे मैं आपको देखो बता दो हाउ मेनी डेवलपमेंट टूल्स हैव यू यूज्ड, अब देखो आपने ऊपर बोला कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, ज्यादा ही बोल दी, ठीक है, तभी मैं फंसने वाले, ठीक है, कुछ बोली आपने बढ़िया, ठीक है, अब हाउ मेनी डेवलपमेंट टूल्स हैव यू यूज्ड, जब आप कहां फंस जाओगे, जब आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी बता दी, ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट टूल नहीं बताया उसके वहीं फंस जाओगे, जैसे आपने बोला जावा आती है, ठीक है, अब जावा वो बोलेगा कौन से हो सकते हैं कौन से यूज किए होंगे इस बंदे, तो उसको तो सभी पता है कौन से हो सकते हैं, ठीक है, फिर आपने वहां पे गलत कुछ बोल दिया, जैसे बोल दिया आपने कि हाँ मैंने नोटपैड यूज किया, वो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, सिर्फ नोटपैड यूज किया हो, इक्लिप्स है, नेटबीन्स है, इंटेलिजे है, ठीक है, इतने सारे वीएस कोड है, सी प्लस प्लस बोल दी, सी प्लस प्लस में भी है टूल्स बेस्ट भी है, कुछ अच्छे भी है, कुछ खराब भी है, मतलब लेकिन हाँ कि इसको टूल्स भी पता है, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तभी तो काम किया होगा, टूल्स पता उन्हीं टूल्स में किया होगा, ठीक है। नाउ अब बोल सकते हैं ऑनलाइन एडिटर्स पे भी काम किया, ठीक है। बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू टू इंप्रूव योर टेक्निकल स्किल्स, ठीक है, कुछ अगर कहीं फंस जाते हो उसको पता चल जाएगा, देखो कि कैसे जवाब दे रहे बंदा, ठीक है, अगर कहीं फंसोगे तो वही बंदा तो बता पाएगा जो एक्चुअली फंसा होगा, ठीक है, फेस की होगी प्रॉब्लम, ठीक है, अगर एग्जांपल में कि आप मान लो फाइल अपलोडिंग नहीं हो रही तो इस बंदे ने कैसे इंप्रूव किया, कैसे अपनी टेक्निकल स्किल्स को इंप्रूव किया, ठीक है, तो सारा एक प्रोसेस होता है, व्हाट आर द टेक्निकल वेबसाइट्स यू फॉलो, देखो अब जिस बंदे से पूछ लिया, ठीक है, उसने बोला नहीं मैंने जीएफजी यूज ही नहीं किया अभी, ठीक है, मुझे नहीं पता, बोले व्हाट इज द जीएफजी, बोले आई डोंट नो, तो वो बता देगा भाई इसको, जब जीएफजी नहीं पता तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है, क्योंकि जिस बंदे ने कोडिंग किया उसको सभी कुछ पता होता है, ज्यादा बेसिक पे तो सभी रहता है, ठीक है, हैव यू यूज्ड एनी सोर्स कोड टूल्स, ठीक है, मतलब है तो ये बहुत थोड़ा रेयर हो सकता है शायद, ये आपका ही मान लो इंपॉर्टेंट हो सकता है, हाँ टूल्स के बारे में पूछ सकते हैं, टेक्निकल स्किल्स ये भी हो गया, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी हो गया। सेवन, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द आईटी इंडस्ट्री, व्हाट डू यू एंजॉय लीस्ट अबाउट इट, ठीक है, व्हाई यू चूज, मतलब आपको पता होना चाहिए भाई साइंस क्यों ली, क्यों आपको आईटी इंडस्ट्री में आना था, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता, ठीक है, टॉपिक इस भी कर सकते हैं किसी के भी, मैं बोल दूंगा आंसर वो भी आप ले जाओ, मैं चाहता ना अपना खुद थोड़ा सा डिजाइन करो, मेहनत करो, ओके। नाउ इट व्हेनेवर यू सॉल्व द प्रॉब्लम व्हाट डू यू कीप इन द माइंड द एंड यूजर बिजनेस और योरसेल्फ एंड व्हाई, मतलब इससे क्या हो गया कि भाई जब भी आप प्रॉब्लम फेस करते हो डीएसए की हुई, फॉर एग्जांपल अभी तो आप बेसिक डीएसए की कर रहे हो, ठीक है, वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आप क्या हो गया कि पेज की लिंकिंग, ठीक है, सर्वलेट से लेकर जीएसपी अगर जावा में काम किया, या आप कैसे सर्वर फ्रंट एंड से बैक एंड में भेज रहे हो डाटा, ये सारी कैसे प्रॉब्लम आप आती है, कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है, कैसे एक पेज से दूसरे पेज पर डाटा ट्रांसफर करते हो, ये सारी चीज कैसे डाटा बेस में करते हो, डीएससी की होगी, तो इससे मतलब पता चल जाएगा बंदा ने हाँ काम किया कि नहीं किया, ठीक है। नाइन क्वेश्चन, विच टेक्निकल स्किल्स डू यू विश टू पोज इट, भाई इसमें देखो बहुत ध्यान से देना, कोई बोलता है कि नहीं मैं स्टिक रहूंगा, देखो आप जब बिल्कुल ही आ गया, ठीक है, जब बिल्कुल ही आप दे रहे हो कि हाँ ये जावा के लिए आपका रोल यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का है या पाइथन का है, तो वहाँ बोल सकते हो यस स्टिक विद द पाइथन, स्टिक विद द जावा, आई जस्ट वांट टू मोर एंड मोर इवॉल्व इन दिस फील्ड, ठीक है, इन दिस प्रोग्रामिंग, वो भी बुरा नहीं है, बट सर्विस बेस पे बोलो ना, बोल दो सीधा आई एम ओपन टू लर्न एनीथिंग, ठीक है, बस सिंपल खत्म। नाउ दस टेंथ क्वेश्चन, व्हाट वाज द रीसेंट टेक्निकल प्रोजेक्ट यू वर्क्ड ऑन, व्हाट वर योर की रिस्पांसिबिलिटीज, ठीक है, ऑफकोर्स आपने फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट तो सबमिट किया ही होगा, तो आपसे वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में, तो जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जो भी आपका रोल था, सब कुछ आपको बता देना है, ठीक है।
तो अब तो मैं समझ सकता हूँ कि इन्हीं क्वेश्चंस में कुछ आएंगे और आपको एक चीज एक आपको आइडिया बता दिया कि भाई इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। अब आप शायद न्यू नहीं हो, ठीक है, कोडिंग क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, कैसे हो सकते हैं, और ज्यादातर ये डिपेंड होता है कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आंसर को, ठीक है। अब आपको आता नहीं, आप यूं नहीं हाथ पर उल्टे सीधे मारने लग जाना, नहीं आता, ठीक है, नो बोल सकते हो, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया, मैंने मेरा एक्सपीरियंस कि भाई मेरे को मैंने सीधा मना कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैं खींचने नहीं चाहता इंटरव्यू को, मैंने सीधा बोला नो, आई डोंट नो, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला कोई दिक्कत नहीं हमारे, ठीक है, फिर मेरा हो गया था। अब बोलते हो कई बार किस्मत होती है, हाँ ऑफकोर्स किस्मत होती है, ठीक है, नो डाउट, क्योंकि मैंने सेम कंपनी में दो बार भी अप्लाई किया, ठीक है, तीन बार भी किया और उससे पहले रिजेक्ट हुआ बाद में हूँ, ये मैंने देखा ऑफकोर्स। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो के साथ, पॉजिटिव रहो, ठीक है, बस लगे रहो जितना हो सकता है, ठीक है, एक फेज में रहो, बस अपने आप को इवॉल्व करते रहो, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।